भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगा पुत्र ने आज नारायण के सेवा बस्ती सोनिया गांधी कैंप के बाहर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन कराया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला करोलबाग के अध्यक्ष सुनील कक्कड़, महिला मोर्चा जिला करोलबाग की अध्यक्ष प्रमिला चौधरी आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इंद्रप्रस्थ संजीव अरी ने अपना भरपूर सहयोग किया। इस अवसर पर सेवा बस्ती में रहने वाली सैकड़ों महिलाओं को पैरों की चप्पल, सैनिटरी पैड एवं पौधे वितरित किए गए। इंद्रप्रस्थ संजीव अरी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने कहा कि हाइजीन एवं सुरक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उन्हें सैनिटरी पैड एवं पैरों की चप्पल वितरित की गई है। इस अवसर पर डॉक्टर अरोड़ा ने सभी महिलाओं से अपील की कि चूंकि सृष्टि को बनाने के लिए हरियाली बहुत जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत सभी एक पौधा लगाएं और उसकी सुरक्षा भी करें। पर्यावरण सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं को पौधे भी वितरित किए गए। पर्यावरण सुरक्षा पर जागरूकता को आज की जरूरत बताते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति है, महिला जागरूक होगी तभी देश भी जागरूक होगा। भाजपा जिला करोलबाग अध्यक्ष सुनील कक्कड़ ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर अरोड़ा सदैव परोपकार के कार्य करते रहते हैं और सामाजिक दृष्टि से भी इनका बड़ा नाम है। इन्हें गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। इनके कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला करोलबाग महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रमिला चौधरी ने कहा कि हाइजीन, सुरक्षा एवं पर्यावरण पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए डॉक्टर अरोड़ा को मैं धन्यवाद देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि वे आगे भी जनहित में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम था, महिलाओं के लिए था और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजन किया हुआ और यहाँ पर जो कार्यक्रम था उसको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को चप्पल, जो पैरों की चप्पल है वो दी गई, सैनिटरी पैड्स दिए गए और हरियाली फैलाने के लिए हमने पौधे दिए हैं कि हर झुग्गी में, हर घर के अंदर पौधे जरूर लगे हों। तो ऐसे में ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के लिए इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने अपना भरपूर सहयोग दिया है। इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ लगातार ऐसे कार्यक्रम करती आई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो ये कार्यक्रम रखा है बहुत एक सफल कार्यक्रम रहा है। हमने महिलाओं की स्वच्छता के लिए सैनिटरी पैड, ग्रीनरी रखने के लिए, हरियाली रखने के लिए पौधे और एक एक चप्पल दिए ताकि वो नंगे पैर ना घूमे, उन्हें स्वच्छता का ज्ञान रहे, उन्हें किसी तरह की कोई बीमारियां ना लगे। जो लोग गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो ना करें, अपने आप को स्वच्छ रखें और बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचाएं। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।